जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपका हमारे चैनल मनु के कान्हा जी में स्वागत है। तो जी, गणपति जी की पूजा तो हमने कर ली और उन्हें मंदिर में कर दिया है विराजमान। तो आज के दिन हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी पे जितने भी घर में बेटे होते हैं उनका सिंजारा करते हैं। तो कान्हा जी भी हमारा बेटे ही हैं, हमारे बेटे के स्वरूप में ही हम इनको मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। तो आज हम इनका भी सिंहारा करेंगे। तो देखिए, हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार धरवाया है आज इन्होंने, और बहुत ही सुंदर सी मोर वाली पोशाक धराई है। तो आप सभी लोग इनके दर्शन कर लीजिए। तो जी, जैसे लड़कियों के सिंहारे किए जाते हैं तीज पे, गणगौर पे, वैसे ही आज के दिन करे जाते हैं घर के बेटों के सिंहारे। तो आज हम सिंहारा करेंगे कान्हा जी का, और ये छोटे से हैं, बाल स्वरूप में हैं। तो हम इन्हें छोटा सा एक आज के दिन सिन्हारे में क्या करते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो गिफ्ट देते हैं, मीठा देते हैं, तिलक करते हैं। तो इसी प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ये इस तरह से छोटा सा पर्स होता है, या बटुआ या जो भी बोल लीजिए, इसमें ड्राई फ्रूट भरते हैं और कुछ भी जो भी इच्छा होती है वो पैसे इसमें डाल के हम छोटे बच्चे को देते हैं। तो कान्हा जी भी हमारे छोटे से बच्चे ही हैं, तो आज हम भी इनका बटुआ भरेंगे और इन्हें हाथ में धराएंगे। तो ये देखिए, हमारे कान्हा जी का सुंदर सा पर्स तैयार हो गया है। तो ये हम कान्हा जी का आज का गिफ्ट है जो उन्हें देंगे। और अब आज के दिन जो भी इच्छा होती है, जो भी हमारा मन करे वो हम दे सकते हैं कान्हा जी को। तो इस तरह से सिंहारे में फल और मीठा होना तो जरूरी है ही, कोई भी पूजा पाठ हो बिना मीठे और फल के तो नहीं होती है। और हम जो भी हमारी इच्छा करे, 2, 4 या जितनी भी पोशाक है वो भी हम डाल सकते हैं कान्हा जी को सिंहारे में। तो ये है कान्हा जी की सुंदर सी ड्रेसें। कोई भी नए वस्त्र दिए जाते हैं, जैसे गिफ्ट नया ही होता है तो वैसे ही नई पोशाक देनी चाहिए। और ये है डांडिये, तो इस तरह से कान्हा जी को ये भी देने चाहिए। और ये कान्हा जी का बटुआ भी तैयार हो गया है। तो इस तरह से ये हमारे कान्हा जी का सिंजारा हो गया है। तो आप लोग भी इसी तरह से कान्हा जी को सिंजारा डाल सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो, मीठा हो, ड्रेस हो, कोई भी गिफ्ट हो, कोई भी ज्वेलरी हो, या कुछ भी प्रकार की आपकी सेवा हो वो आप कर सकते हैं। तो हमारा तो सिंजारा तैयार हो चुका है, तो चलिए चलते हैं कान्हा जी को सिंजारा डालने। तो ये देखिए, सब चीजें तैयार है। और इसी तरह से घर में जो बेटे होते हैं उनको भी इसी तरह से सिंहारा डालते हैं। तो सबसे पहले करेंगे तिलक और फिर इन्हें मीठे का भोग लगाएंगे। तो जी, इस तरह से हमारे कान्हा जी की आज की पूजा हो गई है। आज का सिंहारा हमने इन्हें डाल दिया है। और ये डांडिये हैं, ये हर साल हम नए भी दे सकते हैं। और वैसे तो जब बच्चे का जन्म होता है तब ये उन्हें पहले साल में नए दिए जाते हैं। तो हर साल आप नए भी दे सकते हैं या फिर इन्हीं की पूजा कर सकते हैं। तो मैं हर साल नए तो नहीं देती हूँ, इन्हीं की पूजा कर लेती हूँ हर साल। तो इस प्रकार से देखिए, हमारे कान्हा जी की पूजा हो चुकी है, सिंहारा डाल दिया है हमने कान्हा जी को। तो देखिए, ये प्रभु जी हैं, इनके बिना तो मेरा कोई काम नहीं होता है। जैसे घर में सारे लोगों के साथ हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही मैं अपना हर त्यौहार बार, हर फेस्टिवल, हर छोटी से छोटी चीज़ भी कान्हा जी के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, तभी मुझे आनंद आता है, तभी अच्छा लगता है।
आज का तो हो गया, अब हमारे काना जी को लगाएंगे हम मेहंदी। तो जी हाँ, सिनारे के दिन मतलब एक दिन पहले मेहंदी भी लगाई जाती है। तो कल तो नहीं लगाई थी, अब आज हम हमारे काना जी के मेहंदी भी लगाएंगे। तो काना जी कैसा लगा आपको आपका सिंधारा? अच्छा लगा ना? तो हमारे काना जी तो बहुत खुश है, देखिए कितने प्रसन्न हैं। तो आप भी इस प्रकार से काना जी को गिफ्ट दे सकते हैं आज के दिन। और अब हमारे काना जी की लगेगी मेहंदी। तो काना जी की मेहंदी भी हो गई है। और आपको हमारा ये आज का व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।